जल्दी से अंदर होके आओ और आप ही शीरा देकर आओ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे गोपी देख, तू इस घर की होने वाली बहू है और बहू अपने सासरे के बाहर से ही लौट जाए तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसमें तो इन लोगों का अपमान है। लेकिन राशि बहन, मैं जानती हूँ कि दुल्हन को लगन के पहले सासरे। गोपी तूने तो आज हादी पार कर दी, तू ना तू गवार की गवार ही रहेगी। अब जमाना बदल गया है, लोग बदल गए और फिर ये तो बहुत बड़े लोग हैं। हाँ पर राशि बहन, आपने भी तो कहा कि रीति रिवाज निभाने चाहिए और ये भी तो रीति रिवाज ही है। ठीक है देख, अगर किसी ने पूछा तो मैं कहूंगी कि मैं तुझे यहाँ ले आई, ठीक है? अंदर आ जाए। हाँ आइए। आप लोग बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे ये क्या कह रही है तू? अब तो हम घर में आ चुके और वो मणि, वो तो अब सबको बुला के भी ले आती रहेगी। अब अगर हम नहीं मिलेंगे सबसे तो ठीक नहीं लगेगा ना। तू थोड़ी खुश लग, मुस्कुरा। हाँ मोटा भाभी, क्या बात है मणि? भाभी वो जो कल चांदे में आई थी ना राशि बहन, उनके साथ लगता है होने वाली नई बहू भी आई है। गोपी आई है? वो भी लगन से पहले? कोकिला को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उसे पता चले उससे पहले मुझे मुझे इन दोनों को यहाँ से विदा करना होगा। ये कौन है? ये हमारे अहम की होने वाली दुल्हन है। नमस्ते। मोटा भाभी, हाँ जिगर भाई के लिए पूरियां तल दूँ? नहीं, उसका फोन आया था, कह रहा था बाहर ही खाना खा लेगा। अचानक कैसे आना हुआ बेटा? राशि बहन ने कहा वो क्या है आंटी, ओपी ने आप सब लोगों के लिए सीरा बनाया था और सच कहूं तो
कल आपके साथ इतना वक्त बिताने के बाद मैं तो आपको मिस ही करने लगी थी, इसीलिए सोचा गोपी को मिलवाने के बहाने खुद मिलने चली आऊं। लेकिन बेटा अभी फौरन आप लोगों को यहां से जाना होगा। नहीं क्या है ना, अभी तक तुम्हारा सिर्फ चांदला हुआ है, आवाजवानी विधि अजी बाकी छे। तो क्या है ना, मैं नहीं चाहती कि इसकी वजह से तुम पर कोई उंगली उठाए। किस पर उंगली उठाने की बातें चल रही है? खानदान में आवाजावानी विधि पहला सासरे में आना वर्जित है, खबर छने? माफ कर दीजिए। और परिवार के नियम कायदों का सख्ती से पालन करती है और करवाती है। चलते हैं। अरे ऐसे कैसे, तुम लोग आए हो तो मैं ऐसे ही तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मैंने खांडवी बनाई है, चक कर जाओ। अरे आंटी इतना कह रही है तो हमें तो इनका मान रखना चाहिए ना। शीरा मैं अभी लाई, बैठो तुम लोग। ऐसी सासू माँ मिली है जिनके लिए रीति रिवाज और संस्कारों का इतना आदर है। अरे तुझे तो उनसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा,
और सिर्फ वो ही नहीं, ये तेरी काकी सास, देख उनकी आंखों में कितनी ममता, कितना प्यार झलक रहा, तू बहुत खुश रहेगी। काकी जी अब वॉशरूम कहाँ है? मणि ले जाए, जाओ बेटा। आई गोपी दिख रहा, लेना। बोटा भाभी शू आचे केशो काका। मोटे भाभी जिगर बाबा का फोटो बन करके आ गया। सच्चे? हाँ। देखा जिगर भाई का नाम आते ही कैसे आपका चेहरा खिल गया। रे वादी चापली बहुत बातें करने लगी है तू मणि। काकी ये क्या है? ये पे राशि पे चलते हैं। तुम पहली बार हमारे घर आई हो और हमारी बहू को हम ऐसे तो नहीं भेजेंगे। नहीं नहीं वो बेटा ये तुम्हारा हक बनता है। गोपी बड़ों के आशीर्वाद के लिए कभी ना नहीं कहते, ले लो। अब तो तुम्हारी बहन ने भी कहा, अब तो पहनोगी ना।